हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेफ्ट ओवर रोटी से एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो घर पे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से हम उसे बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से सैंडविच। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले यहाँ मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए। इसके बाद हम मेयोनीज लेंगे 4 से 5 चम्मच। यहाँ टमेटो केचप लिया है मैंने, वो भी 4 से 5 चम्मच लेंगे। यहाँ स्वाद अनुसार नमक लेंगे। यह 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। ये 2 चम्मच जीरावन पाउडर है और ये 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम, और सेव लेंगे हम। ऑयल हमें चाहिए रहेगा ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ मैंने 1/2 कटोरी ऑयल लिया है। इसके बाद 1 बड़ी शिमला मिर्च इस तरह से कटी हुई, और 1 प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। यहाँ 1 छोटी कटोरी हरा धनिया लिया है, और यहाँ 1 खीरा लिया है जिसे मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। इसके बाद ये लेफ्ट ओवर रोटीज है, इसी से हम सैंडविच बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ आलूओं को हमने मैश कर लिया। तो यहाँ हमने तवे को गर्म होने रख दिया है। अब इस पर हम ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा, और हमारी जो रोटीज हैं उन्हें हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पर हमें ये प्रोसेस तेज गैस पर ही करना है, क्योंकि हमें रोटियों को कड़क नहीं करना है। रोटी हो गई है गर्म, इसी तरह हम बाकी की रोटियां भी कर लेते हैं। हमारी रोटियां तो हो गई है गर्म, अब हम इस पे शिमला मिर्च को सोते कर लेते हैं, क्योंकि जो सैंडविच है उसमें रोटी का सैंडविच है तो शिमला मिर्च अच्छे से अंदर तक पकेगी नहीं, इसलिए हम इसे पहले थोड़ा सा सोते कर लेते हैं। और इसमें 1 to 2 pinch सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। अगेन हम इसे फुल फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ताकि ये क्रिस्पी रहे और हल्की हल्की सी पक भी जाए। तो यहाँ शिमला मिर्च सोते हो चुकी है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने शिमला मिर्च को सोते कर लिया है, उसे निकाल लिया। अगर आप प्याज सोते करना चाहें, प्याज कच्चे ना खाते हो तो प्याज भी आप सोते कर सकते हैं। अब इस पैन में हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया 2 छोटे चम्मच। अब यहाँ हरी मिर्च डाल देंगे सारी, पका लेंगे मिर्च को हम। हरी मिर्च को सोते कर लिया है, लाल मिर्च डाल देंगे। यहाँ मैं 1/2 चम्मच ही डाल दी, क्योंकि मुझे लगता है कि तीखा ना हो जाए। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप पूरी डालिए। अब इसमें हम यहाँ आलू डाल देंगे। मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरावन पाउडर डाल रही हूँ, और उसके बाद 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि नमक संभल कर, क्योंकि जीरावन पाउडर में भी नमक होता है, इसीलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। मिक्स कर लेते हैं, कुछ देर और पका लेते हैं। दोस्तों, ये स्टफिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम ये धनिया पत्ता डालेंगे, स्टफिंग के ठंडी हो जाने के बाद ही डालेंगे, क्योंकि जो कच्चा धनिया होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए अब इसे मिक्स कर लेंगे हम। दोस्तों, हमारी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 चपाती ली है मैंने, इस पर मैं 1 से 2 चम्मच मेयोनीज डालूंगी। इस मेयोनीज को हम अच्छी तरह से सभी तरफ स्प्रेड कर देंगे। मेयोनीज स्प्रेड हो गई, अब इसमें हम 1 चम्मच टमेटो केचप डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरह सब दूर चपाती पे हम स्प्रेड कर लेंगे। अब यहाँ सब स्प्रेड हो चुका है। अब एक साइड पर हम यह मसाला रख देंगे आलू का, अच्छे से इसे भी फैला देंगे ज़्यादा। यहाँ अब हमने स्टफिंग भी अच्छे से रख ली है। अब एक एक करके हम इसमें ये रखते जाएंगे, शिमला मिर्च और खीरा। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च रख दी है, इस पर मैं 1 प्याज रख देती हूँ, और थोड़ा सा हम जीरावन डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको जीरावन पाउडर नहीं मिलता है तो आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, पर टेस्ट अलग रहता है जीरावन और चाट मसाले का। इंदौर में बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जीरावन बहुत खाते हैं। तो अब यहाँ इस पे हम खीरा रख देंगे, और लास्ट में हम 1 चम्मच के करीब सॉस और डालेंगे। अब दोस्तों, इस पे हम यहाँ सेव डाल देंगे। सैंडविच में सेव अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें दोस्तों, पर सेव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस चपाती सैंडविच में। और इंदौर के लोग तो सेव को किसी के साथ किसी भी चीज़ में ऐड कर लेते हैं। और अगर आपको नहीं पसंद है तो अपना डालें। अब यहाँ हमने कर दिया, और इस तरह से चपाती को हम कवर कर लेते हैं। तो अब हम रोटी सैंडविच को फ्राई कर लेते हैं। इसको अपोजिट साइड से रख देंगे, जिस तरफ मसाला है उस साइड को हम ऊपर रखेंगे, और इसे हल्का हल्का सा हम सेक लेंगे।
स्लो गैस पर, ज़्यादा कड़क नहीं करना है चपातियों को। हम पलट लेंगे बहुत सावधानी से। ये देखिए ब्राउन हो गई है, ये दूसरी साइड से भी पककर तैयार है। अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए दोस्तों, हमारा रोटी सैंडविच तैयार हो चुका है। देखिए अंदर से आप, ये कितना यम्मी लग रहा है और कितना आसानी से बनाना। आप चाहे तो ऐसे खाएं या कट करके खाएं, हम इसे कट कर लेते हैं ताकि इजीली खाते बन जाए। देखिए आप कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये सैंडविच, और इसे हमने कट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, ये आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही यम्मी बनेगा। इसे हमें किसी भी चीज़ के साथ सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी ये रेसिपी, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय एवरीवन।